दोस्तों, बाईसेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे कॉमोडिटी मार्केट का कि कॉमोडिटी मार्केट के अंदर लास्ट 4 दिनों के अंदर क्या हुआ है वो हम आज चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि कॉमोडिटी का आप दिखाते नहीं है। तो एग्जैक्टली आज हम बताएंगे आपको कि कॉमोडिटी में सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले आपको सॉफ्टवेयर में पहचानना पड़ता है कि सिग्नल सही है या फिर गलत है। अगर सही होगा तो ही हम हमारे सॉफ्टवेयर में ट्रेड करेंगे, अगर नहीं हुआ सही गलत सिग्नल है तो हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर के अंदर आप फंस जाते हैं। जब साइडवे सिग्नल होता है तब आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा ट्रेड सही है और कौन सा गलत है, पर हमारे सॉफ्टवेयर में आपको पहले से पता लग जाएगा कि सही है या फिर गलत है। पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको गलत सिग्नल को इग्नोर करने की कोशिश करेगा सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल दिखा दूँ सॉफ्टवेयर में काम कैसे किया जाए। जैसे कि यहाँ सेल सिग्नल बना है, तो ये सेल सिग्नल कंफर्म है या फिर नहीं है वो जानने के लिए पहले हम चेक करेंगे सेल सिग्नल के बैक में अगर ऐसा डाउन साइड ब्लू एरो लगा है तो ये सेल सिग्नल परफेक्ट है, कंफर्म है, आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी बन सकता है जैसे कि मार्केट थोड़ा आगे चला गया दो दो तीन कैंडल पहले और सॉफ्टवेयर को लगा कि भाई इसमें ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ चल रहा है, सॉफ्टवेयर को लगा ट्रेड करना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर आपको एक इंडिकेटर देगा उसके बैक में कि आप यहाँ डाउन साइड ट्रेंगल डाला तो आपको उसके नेक्स्ट कैंडल से आपको ट्रेड करना है। पर ये अगर आफ्टर कंफर्मेशन मिला तो आपको आपको यहाँ से ट्रेड करना है और जो डिस्टेंस है टारगेट और सेल का वो लेकर तुरंत निकल जाना है अगर आफ्टर कंफर्मेशन मिला है। अगर पहले से ही ये कंफर्म है, पहले से ही ये कंफर्मेशन दिया है तो आपको कंटिन्यू रुकना है जब तक ये कोई एग्जिट नहीं करवाता है। वैसे ही तरह यहाँ बाई में देखिए, बाई कंफर्म आया था, वो क्यों कंफर्म था उसका रीज़न ये था कि बाई के बैक में देखिए तो एक ऊपर की साइड का ब्लू कंफर्मेशन एरो है। अब यहाँ से पहले से ही ये कंफर्म था, मोस्ट ऑफली ये 80% 90% पहले ही आ जाता है। अगर बाद में आता है तो वहाँ से आपको ट्रेड करना है। यहाँ पहले से ही कंफर्म था तो यहाँ एग्जिट किया तब आपको निकल जाना है। अगर यहाँ एग्जिट नहीं होता है तो सेल सिग्नल पर आपको एग्जिट कर लेना है। कोई दूसरा हम देख लेते हैं जैसे कि नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर पहले से देखते हैं 7 तारीख से यहाँ बाय था, कंफर्म था, यहाँ आपका एग्जिट हुआ, ये सेल था, एक बार यहाँ आपको बोला गया था ये और नीचे गिरेगा, होल्ड रखिए, यहाँ से आपका एग्जिट हो गया। यहाँ देखिए डबल कंफर्मेशन बना, एक और दो, ये बाय के बैक में दो कंफर्मेशन मिला, मतलब कि ये हुआ कि ये डबल श्योर सिग्नल है, डबल वेरीफाइड ट्रेड है। तो आप यहाँ लॉट की क्वांटिटी डबल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ सेल सिग्नल आया है पर सेल के बैक में डाउन साइड कन्फर्मेशन नहीं आया है, पर इसके अंदर आफ्टर कन्फर्मेशन मिला है, जहाँ से सेल दिया है उसके ऊपरे लेवल से आपको सेल मिला है। पर देखिए यहाँ एस एल हिट हो गया, यहाँ आपको एक एस एल को टच कर गया, मतलब कि आपको एस एल लगा कर काम करना है। यहाँ एस एल लग गया मतलब कि आपका पोजीशन है वो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आफ्टर कंफर्मेशन दिया था इसलिए एसएल लगाना है। अब एसएल लगा है तो अगर अगला सिग्नल जो भी आएगा उसमें आपकी क्वांटिटी अगर आपको प्रॉफिट करना है ज़्यादा, तो आपको अगले जो सिग्नल आएगा उसमें जो इसमें क्वांटिटी डाली थी वो अगले सिग्नल में डबल होनी चाहिए। कोई दूसरा चेक कर लेते हैं जैसे कि कॉपर। कॉपर के अंदर हमारा ये जो सेल था परफेक्ट था क्योंकि डाउन साइड एरो लगा था, यहाँ आपको बोला गया था कि ये और गिरेगा होल्ड रखिए, यहाँ भी बोला गया था और गिरेगा होल्ड रखिए, यहाँ भी बोला गया था और गिरेगा होल्ड रखिए, और यहाँ से आपका एग्जिट हो गया। अगर यहाँ एग्जिट नहीं होता है तो आपको बाय पर एग्जिट कर लेना है। अब बाय के अंदर देखते हैं, बाय के बैक में ऊपर की साइड का एरो लगा है मतलब कि कंफर्म है। यहाँ आपको थोड़ा नीचे आने के बाद जब एस एल टच करने आया तब आपको बोला गया था कि ये और ऊपर जाएगा, आप कंटिन्यू रुकिएगा, तो यहाँ भी बोला गया कि ये और ऊपर जाएगा रुकिएगा, पर यहाँ कोई एग्जिट का पॉइंट नहीं आया। तो हमें क्या करना है, जब सेल सिग्नल आ जाएगा तब हम उसको एग्जिट कर लेंगे। जब अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो बाकी पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आपकी पोजिशन अभी भी खड़ी है, क्योंकि ये जो सेल बना है वो गलत है क्योंकि डाउन साइड कन्फर्मेशन हमें कोई मिला नहीं है।
कोई दूसरा चेक कर लेते हैं जैसे कि क्रूड, तो क्रूड के अंदर भी देखते हैं तो सेल सिग्नल बना है, कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि सेल के बैक में एक डाउन साइड ब्लू एरो लगा है, इसलिए ये सेल कंफर्म है और अभी जस्ट गिरा है। मैंने कल परसों भी बोला था जब लाइव किया था तब कि ये बहुत गिरने वाला है। ऑलरेडी अभी देखिए तो आपके सामने ही करीबम गिर रहा है, ये लास्ट कैंडल नया लो लगा चुका है। उसके बैक में देखते हैं तो ये बाई सिग्नल था, पर हमें कोई कंफर्म एरो नहीं मिला था क्योंकि बाई के बैक में हमें कोई ऊपर की साइड का एरो नहीं है। तो ऐसे गलत सिग्नल को सॉफ्टवेयर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये गलत है, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये सेल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि सेल के बैक में एक डाउन साइड ब्लू एरो लगा था, इसलिए ये सेल कंफर्म था और इसलिए कंटिन्यू आपको रखना था। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो ये सिग्नल को अवॉइड करेंगे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो यहाँ आपकी पोजिशन एग्जिट हो जाएगी और यहाँ नई पोजिशन आपकी बन जाएगी। पर पोजिशनल ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी आप चेक कर सकते हैं सेकंड सीट के, डबल वेरीफाई के लिए। डबल वेरीफाई में हम देखते हैं, चेक करते हैं, अगर ये वाइट कलर की लाइन है वो अगर ऊपर चल रही है सेल के अंदर तो ये डबल वेरीफाई ट्रेड है। साथ में यहाँ सभी इंडिकेटर रेड में बोल रहे हैं, मतलब कि सभी वॉल्यूम उसका डाउन है, तो एक कंटिन्यू डबल वेरीफाई ट्रेड बना हुआ है। तो कंटिन्यू रखिए सिग्नल को, आप चेक कर सकते हैं। अभी 55 था, 10 पॉइंट तो आपके सामने ही गिर गया है। हम मोस्ट ऑफली डेली लाइव करते हैं हमारी चैनल पर और व्यूवर को कुछ ना कुछ सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपको भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। और अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।